तो स्वागत है दोस्तों हमारे आज के वीडियो में। और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक भिखारी बना व्यापारी कहानी। कहानी को पूरा जरूर देखें। तो बिना देरी के साथ दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था और उसी ट्रेन में वहाँ पर एक भिखारी आया। वह उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी की बात ने भिखारी को दिल को छू लिया। उसने मन में यह तय कर लिया कि जब भी उसे कोई भी भीख देगा तो बदले में वह भिखारी भी कुछ न कुछ देगा। वह भिखारी बहुत सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दूं? और तभी उसकी नज़र एक बगीचे में लगी फूलों पर पड़ी। वह वहां से कुछ फूल तोड़कर लाया और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में उसे फूल देता। एक दिन वही व्यापारी उसे ट्रेन में मिला तो भिखारी ने उससे कहा, आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर तुम मुझे बदले में कुछ दो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा, इसलिए आज आपको देने के लिए मेरे पास एक यह सुंदर फूल है। व्यापारी ने उससे फूल लिया और बदले में उसने भिखारी को अच्छी भीख दी और भिखारी से कहने लगा, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। अब तीसरी बार वह भिखारी और वह व्यापारी एक ही ट्रेन में जा रहे थे, लेकिन अब भिखारी बहुत सुंदर लग रहा था, उसके कपड़े भी अच्छे थे। भिखारी ने व्यापारी से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? उस व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो भिखारी ने कहा, यह हमारी तीसरी मुलाकात है, मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना खुद का फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है। आज मैं आपकी प्रेरणाओं की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन पाया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप को क्या मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम सारी ज़िंदगी दिन दुखी बनकर रहते हैं, खुद को दुखी इंसान मानते हैं, तो दुख हमारा पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। अगर हम अपने आप को एक भिखारी मानेंगे तो हमारा स्वभाव वैसे ही बन जाएगा। अगर हम अपने आप को सफल इंसान मानेंगे तो निश्चित ही सफलता और खुशियाँ हमारे ज़िंदगी में अपने आप आ जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा एक बात, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जिसमें आप विश्वास रखते हैं। अगर अपने आप को दुखी इंसान मानते रहेंगे तो दुख से पीछा छूटेगा ही नहीं, और अगर अपने आप को एक खुश इंसान मानेंगे तो विश्वास रखना आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल जीके बाय युवराज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।